सबसे पहले बात मौसम की करते हैं, जहां मार्च के महीने में ही मई और जून वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। यूपी में अगले 6 दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। तापमान में और इजाफा होगा। इधर देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का बीते 76 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1945 के बाद मार्च में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री दर्ज किया गया, ये भी सामान्य से 3 डिग्री ऊपर है। आज राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी से जिस तरीके से गर्मी पड़ने लगती है और जो तापमान दर्ज किए जा रहे हैं, आने वाले समय के लिए कहा जाए कि प्रदेशवासियों को गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना होगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तापमान की अगर हम बात करें तो इस वक्त गर्मी जो है वो लगातार तेज़ हो रही है, और यही वजह है कि गर्मी बढ़ने की वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना भी अब करना शुरू हो चुका है। खासतौर से अभी चूंकि कल होली का त्यौहार था, ऐसे में कल का तापमान और आज के तापमान में अगर हम फर्क की बात करें तो अभी चूंकि सुबह इसके 7 बज चुके हैं, लेकिन तेज़ धूप की वजह से जो गर्मी है वो बढ़ गई है, और करीब 11 बजे तक जो मौसम है वो पूरी तरह से ये कह सकता है कि तापमान बढ़ने की वजह से सीधे तौर पर गर्म हो जाएगा, और 11 बजे के बाद सड़कों पर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि तेज़ धूप निकल रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और आमतौर पर मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक गर्मी जो है अपने प्रचंड रूप में आ जाएगी, और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में गर्मी का असर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है विशाल कि आगे गर्मियों में जिस तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से हम देखते हैं, प्याऊ लगाया जाता है, तमाम और चीजें की जाती है यहाँ पर, वो इंतजाम पहले से शायद प्रशासन को भी और सरकार को भी पुख्ता कर लेने चाहिए अभी से, गर्मी की ये जो पारा लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए, ताकि आम जनता जो परेशान होती है अक्सर गर्मियों में, उस परेशानी से बचा जा सके जब गर्मी और प्रचंड होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि अभी ये अनुमान जो है वो तमाम प्रशासन को नहीं था कि गर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि पिछले अगर हम 2-3 दिन पहले का मौसम देखें तो मौसम में थोड़ी सी ठंड थी, और शाम के वक्त भी ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा था कि गर्मी इतनी तेज़ हो सकती है, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट ली है, और ये कहा जा सकता है कि सुबह के 11 बजते ही सड़कों पर हल्का सा सन्नाटा भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लोग बहुत अवॉइड कर रहे हैं, और चूंकि अभी तक फ़िलहाल कहीं भी ना तो प्याऊ की व्यवस्था की गई है और न ही जो शेल्टर्स जो बनाए गए हैं, जो सड़क सड़क बनाए जाते हैं अस्थाई, ताकि लोग थोड़ा सा वहाँ पर उसकी जो है छाँव में बैठ सकें, तो इस तरह के जो इंतज़ाम है इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। और हालांकि जिला प्रशासन को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मार्च के अंतिम हफ्ते में ही गर्मी इतनी तेज़ हो जाएगी, हालांकि अब जब जैसे कि तापमान पारा बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब जो तमाम जो जिला प्रशासन है हर जिले के, वो इस तरह के इंतजाम कराना शुरू करेगा, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अप्रैल के लिए अभी से संभल जाए यहाँ पर गर्मी को देखते हुए।